हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। इफ टू इवेंट ए एंड बी आर सच डैट पी ए बार इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 0.5, देन पी बी बार पी बी बाय ए यूनियन बी बार, अपन को ये बताना है इसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है। तो पी ए बार दिया हुआ है 0.7, तो पी ए अपना कितना हो जाएगा, तो पी ए अपना आ जाएगा 0.7 के बराबर। 0.3 दे रखा है बार, तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को जो निकालना है, निकालना है पी बी बाय ए यूनियन बी निकालना है। तो ये अपना ये जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार बाय पी ए यूनियन बी बार के बराबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने के बाद अपना पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए बी, अब बी के साथ इंटरसेक्शन बी बार। बी इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, ये फाई के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो और नीचे क्या था, बी ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें, तो यहाँ से अपना जो आ रहा है बी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन बी ए यूनियन बी बार के बराबर आ रहा है। तो इसको अपन फिर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन इसको क्या लिख सकते हैं डायग्राम से, अगर ये ए है और बी है तो अपन को ये निकालना है। ठीक है, तो ये अपन को निकालना है, तो अपन इसमें से पी बी पी ए माइनस अपन क्या कर देते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में पी ए यूनियन बी बार। ठीक है, अब जो है ना अपन वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ गया अपना 0.7 के बराबर और माइनस 0.5, और इसका वैल्यू आ जाएगा पी ए प्लस पी बार 0.6 के बराबर और माइनस का 0.5 हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ